हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो देखते रहें, क्योंकि अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें डिस्काउंट मिलने वाले हैं। शासन पुरानी ब्लॉग के तबसुस से आपको डिस्काउंट मिलेगा और वो डिस्काउंट आपको विजिट करके हासिल करना है और वीडियो को भी देखना है, लाइक भी करना है, उस वीडियो को भी अपना डिस्काउंट करना है, लोगों को भी उस डिस्काउंट का फायदा देना है। सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं फेरी लेने, सादी फेरी लेंगे, डबल रोटी वगैरह आज हम जा रहे हैं लेने के लिए। तो आपको सोचा कि आपको वेलकम कर दें, तो क्या नाचो मैं? और आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करें, और जो गलतियां हो वो हाईलाइट करें, और जो चीज़ अच्छी हो उसे अप्रिशिएट करें, क्योंकि अभी तो हमने सफ़र शुरू किया है। अभी तो सिर्फ 8 महीने हुए और डेली ब्लॉगिंग करते हुए तो अभी सिर्फ और सिर्फ डेढ़ महीने हुए हैं। तो इंशाल्लाह और चीज़ें बेहतर होंगी, जिस तरह हमारे कंटेंट क्रिएटिंग बेहतर हुई थी ये भी बेहतर होगा। और इंशाल्लाह कंटेंट क्रिएटिंग के लिए टीम चाहिए, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझसे रब्ता करें। ये डेली हमने डबल रोटी और मस्का बन, मगर एक चीज़ समझ में नहीं आती कि शबीर भाई कहते हैं तो कुछ दिखाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, फलाना नहीं करता, ढिमका नहीं करता। तो भाई मोबाइल खोलो दुकान में जाके, क्या भाई वीडियो नहीं यार, वीडियो नहीं बनाना। अरे भाई कौन से कर्जे लिए हुए, कौन सा एरिया हुआ, और तुम्हारे चलो हम बोलते हैं तुम्हारे नहीं बनेंगे, नहीं यार दुकान में नहीं। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, फिर जब है ना क्या बोलते हैं लोग जो अपनी फैमिलियाँ दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और भी मामला तोड़े, तो उनसे तो लोग उनको भी ये मुश्किल है। क्योंकि मैंने अक्सर मैंने ना रीड करने के लिए देखा गया हमारे साथ ये है कि वो है, तो वो फिर यही ऐसी चीज़ें ऐसी एक्टिविटी दिखाने में मजबूर हो जाते हैं, मगर हम तो मजबूर नहीं होंगे इंशाल्लाह कभी भी, मगर ये है सबके साथ लगा हुआ है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह फेरी करके अपने घर में आ चुके हैं और बज रहे हैं 4:30। अब सिर्फ फजर का वेट करेंगे और कुछ जिक्र अज़कार जो भी होगा। तो बस अब ये है कि अब मिलते हैं फजर के टाइम पे, नमाज पढ़ ली है, फजर की नमाज पढ़ के आ गए हैं, अब सोने की तैयारी करेंगे और देखते हैं। कल लड़के ने बोला एक काम का, मैंने उसे बोला तो वो बोला कल की सेटिंग करते हैं, अब सेटिंग होती है तो ठीक है, वरना फिर वही रूटीन वाइज होगा जो इफ्तारी सहरी ऑफिस सब कुछ इंशाल्लाह रूटीन वाइज होगा। या तो मैं ऐसा कर लूँगा कि अगर शूटिंग पे नहीं जाएंगे तो मैं उस जगह का व्लॉग कर लूँगा, ये कर लूँगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अभी 15 रोज़े तो हो गए, तो अब ये सोचा है कि मैं उस जगह का व्लॉग कर लूँगा। तो आई होप अगर शूट हो जाता है तो बहुत अच्छे, बाकी व्लॉग तो इंशाल्लाह मैं अकेला जाके भी कर लूँगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब हम गैरेज पहुँच चुके हैं, आज 15-20 मिनट लेट हो गए हैं, देखते हैं ऑफिस जाते हैं तो लेट ही लगेगी, और रास्ते में भी रौनक नहीं है तो रास्ते के मनाते तो नहीं दिखाएंगे। क्या कर रहे हैं यार तू? फिर पहुंचने में हो गए आधा घंटा लेट, और अभी ऑफिस आधा घंटा लेट हो गए तो मतलब 3 लेट पे 1 सैलरी कटती है, अब पहला लेट हो गया, आगे देखेंगे, पूरा महीना बाकी है। तो ये आज 3 टिकरा और काम बिगड़ा वाली कहानी होने वाली है कि हम 3 जाने नमाज के लिए जा रहे हैं कमर इस्लाम में, ये आपको मस्जिद भी दिखा दी। मैंने कहा सोचो चलो आज मौका है तो आपको दिखा दूँ मैं ये भी, तो हमारे वसीम भाई भी नाराज़ हो जाएंगे। और नमाज़ पढ़कर वापस ऑफिस जा रहे हैं, अब छुट्टी का टाइम होने वाला है तो अभी इंशाल्लाह बस ऑफिस जाएंगे, 15-20 मिनट गप्पे मारेंगे तो छुट्टी। घर पे जा रहे हैं, अब ऑफिस से निकलते हुए इसलिए नहीं दिखाया कि ऑफिस पे जल्दी जल्दी बाबू बहुत सामने ही बैठे थे, वरना कोई काम याद आ जाता। मैंने बोला भाई ब्लॉग बना नहीं, नहीं बोले बाद में बना लेंगे, मसला नहीं है, गैरेज में जाके काम याद आ गया तो फंस जाएंगे। बड़े हरामी हो बेटा। वैसे एक बात मैंने आज नोट की कि अपना अल्लाह ने कहते तो लड़कियों की जिंदगी में लड़कों से कम खुशियाँ होती हैं, क्योंकि ये बड़ी पॉइंट वाली बात है, क्योंकि लड़के जो हैं
वो बचपन में स्कूल और ट्यूशन से छुट्टी की खुशी मनाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो कोचिंग से, फिर कॉलेज से छुट्टी की, फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो ऑफिस से छुट्टी की, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ। बाकी लेडीज का क्या, उसको तो कभी खुश नहीं होती। ये समझो नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, कभी भी खुश नहीं होती, कोई भी जितना भी गलत कर डालो ना तो खुश नहीं होती। अभी जा रहे हैं अम्मी के घर में और वहाँ जाके देखते हैं क्या कहाँ तक तैयारी पहुँची है। अक्सर लोग इफ्तारी और सहरी के कहते हैं दस्तखान, असल में मैंने एक दो जगह पे बोला है, मेरे यहाँ पर दिल पे बात लगी है कि लोगों ने सही बात की है कि अपने इफ्तारी और सहरी के दस्तखान शेयर ना किया करो। और किस वजह से शेयर ना किया करो, क्योंकि इस मुल्क में अभी भी बहुत लोग हैं जो सहरी और इफ्तारी से कासिर रहते हैं, मतलब अच्छी सहरी इफ्तारी से, तो फिर इसलिए अपने सहरी के दस्तखान और इफ्तारी के दस्तखान ना दिखाया करो, ताकि दूसरों को फिर अपना दिल वो नहीं हो जाए उन लोगों का। तो इसलिए अब जाते हैं हम इफ्तारी देखते हैं, इफ्तारी बन रही होगी तो कुछ दिखा देंगे, मसला नहीं है। बाकी ये कि दस्तखान फिर दिखाना ममनू है, तो फिर मैंने कहा चला यार ठीक है, अभी हमारे ना क्या बोलते एक कदम से शायद अच्छा हो जाए माहौल, क्योंकि बोलते ना खुद को पहले बदलो तो माशरा बदलेगा, ये नहीं कि माशरा गलत कर रहा है तो आप भी गलत करते जाओ। मैंने कुछ गलतियाँ की हैं शुरू में, तो वो बस उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, बाकी कोई मैं वो नहीं हूँ। बाकी इंशाल्लाह हम ऐसे ही चलेंगे जिस तरह चल रहे हैं, और जो देख रहा है वो देखे और जो नहीं देख रहा वो भी एक दिन देखेगा इंशाल्लाह। और अभी हम जा रहे हैं तरावी पढ़ने, फिर तरावी पढ़ के आएंगे, फिर डिनर करेंगे, फिर डिनर करके एक जगह पे जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो 15 दिन से कोशिश कर रहा था मैं वो हो गई है पूरी, तो बस इंशाल्लाह 99.99% वो काम डन है, सिर्फ और सिर्फ बस तरावी पढ़ के आना है और निकलना है उस काम के लिए। तो बस मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि यार बाद में होता नहीं है तो वो नहीं होता, मगर मेरे को अब तो इंशाल्लाह कंफर्म है। तो मिलते हैं तरावी के बाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़कर आ गए हैं और अभी घर पे जा रहे हैं, डिनर टाइम है और हम एक जगह पे जाने इंशाल्लाह सेटिंग पूरी। और साथ भाई और हम आज शूट पे निकल ही गए इतने दिनों की सेटिंग बनाने के बाद, और आज हमने शूट मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एडिटिंग पे जब जाएगा इंशाल्लाह 2-3 दिन लगेंगे। मुझे लग रहा है कि ये व्लॉग अपलोड होने से पहले शायद वो अपलोड हो जाएगा, मगर या तो फिर ये अपलोड होगा फिर वो अपलोड होगा, बस आगे पीछे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो बस आप रहें, अगर वो अपलोड हो गया तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अभी दूसरी जगह हमने प्लान किया शूट पे जाने का, वहाँ का शूट भी हम इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि आज ही मौका मिला है तो हमने सोचा है 2-3 कॉन्टेंट एक साथ शूट कर लें। आपको एक सबसे बेहतरीन बात बताना तो भूल गया, मैं नहीं बताऊंगा, ये साथ भाई बताएंगे आज की बेहतरीन बात क्या है ये बताएं। चैनल पे आप ऑनलाइन मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, वीडियो देखते रहे हैं, क्योंकि अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें डिस्काउंट मिलने वाले हैं, 400 रुपए ब्लॉग के तबसुस से आपको डिस्काउंट मिलेगा, और वो डिस्काउंट आपको विजिट करके हासिल करना है, उस वीडियो को भी देखना है, लाइक भी करना है उस वीडियो को भी, अपना डिस्काउंट लेना है, लोगों को भी उस डिस्काउंट का फायदा देना है। तो बस आप मेरे चैनल पे बने रहे, ये तो आपको सिर्फ पहला डिस्काउंट मिलेगा, और भी इंशाल्लाह आपके पास अभी ऐसे डिस्काउंट आने वाले हैं, बस पब्लिक सपोर्ट करेगी उतना डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह पब्लिक की सपोर्ट रहेगी, तो ये ना इंशाल्लाह डिस्काउंट आते रहेंगे, और भी जगह से डिस्काउंट इंशाल्लाह ले आएंगे। तो अभी हम जाते हैं दूसरे शूट पे, हमने जैसा कि आपको कहा था कि हम दूसरे शूट की तरफ निकल रहे हैं, मगर फिर हमने जैसे ही टाइम पे नजर मारी तो 2:30-3, फिर हमने सोचा 11-12 किलोमीटर जाना है, 11-12 किलोमीटर आना है, और बीच में अंधेरा सन्नाटा सब आएगा, और फिर आपको पता है माशाल्लाह कराची के हालात। तो हमने फिर मशावरत करके हमने कहा कि भाई अब इसको कैंसिल करो, इंशाल्लाह कल फिर इंशाल्लाह रब्ता करते हैं हम उनसे जहाँ पर हमको जाना था शूट पे, वहाँ पर हम जाते हैं शूट करते हैं फिर वापस, क्योंकि आज एक शूट हो गया। यही शुक्र है कि हमारा 15 दिन से तो यही सेटिंग नहीं बन रही थी कि शूट करें नहीं करें, जाना है आना है नहीं आना, कभी वो बिजी कभी मैं बिजी, मैं तो इतना बिजी नहीं था आपके सामने ये डेली व्लॉगिंग मेरी, मगर जो जिनके साथ शूट पे जाना था वही बिजी थे, तो इसलिए शूट नहीं हो पाया। मगर ये कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ये कमेंट में बताएं, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया
तो लाइक करें, क्योंकि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आई तो दो बार लाइक करें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे खूब खूब सपोर्ट करती दीजिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अपने दोस्त शादी मनवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।